नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ छोटे छोटे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों आज का, 2.5 माइनस 1 बटा में 3.25 माइनस 2.5 बटा में 0.7 प्लस 0.50। देखिए, इस टाइप को सवाल को करते हैं। ए 75 पैसा और ए 50 पैसा मिल के आपको 1.25 रुपया हो जाएगा। 1.25 रुपया से 2.5 रुपया में भाग करेंगे तो ए आपको 2 बार में कट जाएगा। अब 3.25 रुपया में से 2 रुपया को घटा देंगे तो आपको बचेगा 1.25 रुपया। 1.25 रुपया को दोस्तों हम 5/4 लिख सकते हैं और 2.5 माइनस 1/5/4 ये हो जाएगा 2.5 माइनस 4 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2.5 माइनस 4/5। ये देखिए, 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.80। ये 80 पैसा है और 2.5 रुपया में से 80 पैसा घट जाएगा तो 1.70 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यह है आज का दूसरा सवाल। देखिए, √7 - √5/√7 + √5 इस टाइप का जब भी सवाल एग्जाम में आपको दिखे तो इसमें आँख बंद करके आपको दोस्तों सबसे पहले परिमेयकरण लगा देना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो चिन्ह है नीचे अगर प्लस रहेगा तो इसके अपोजिट चिन्ह माइनस से लगाते हैं और माइनस रहेगा तो इसके अपोजिट, मतलब नीचे में जो रहेगा उसके अपोजिट चिन्ह से परिमेयकरण करना है। तो ऊपर हो जाएगा 7 - √5/√7 - √5। इससे हम मल्टी अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। यहाँ प्लस है तो हम माइनस से किए हैं, अगर माइनस रहता तो हम प्लस से करते हैं। देखिए, अब √7 - √5 × √7 - √5 √7 - √5 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और नीचे हो गया a + b × a - b = a² - b² तो √7² - √5² e स्क्वायर से e कट जाता है, e से e रूट कट जाएगा तो आपको हो जाएगा a - b² है, a² + b² तो 7 + 5 - 2ab (√35) ए बी को गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। नीचे में आपको हो जाएगा 7 - 5 = 2, ये आपको हो गया 12 - √35/2। ऐसे कटा देंगे, ई 2 × 6 = 12 और 2 से ई 2 कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6 - √35। लीजिए आज का सवाल नंबर 3। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल आता है इसको कैसे करते हैं, इसका तरीका देखते हैं। √2/(1/3) × √3 - √2/(1/6) इस फॉर्मेट में इसको लिख दें। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद
या तो इसके बेस को बराबर कर देते हैं या इसके पावर को बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले बेस को बराबर करना है या पावर को बराबर करना है। वन प्लस अंडर रूट टू और थ्री माइनस टू रूट टू, बेस को बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पावर को बराबर करना इजी लग रहा है। तो आइए हम पावर को बराबर करते हैं। वन प्लस रूट टू पर पावर, टू इंटू वन बाई सिक्स कर सकते हैं, कट जाएगा, वन बाई थ्री होगा, इंटू थ्री माइनस टू रूट टू का पावर वन बाई सिक्स। अब देखिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर टू, थ्री प्लस टू ए का वन बी पर पावर वन बाई सिक्स इंटू थ्री माइनस टू रूट टू पर पावर वन बाई सिक्स। अब देखिए इसका पावर सेम हो गया और बेस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो का स्क्वायर चार करेंगे इंटू अंडर रूट टू का स्क्वायर टू और पूरा पर पावर वन बाई सिक्स। इसको लिख सकते हैं वन वन पर पावर वन बाई सिक्स बराबर वन, इसका हो गया आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर फाइव प्लस टू रूट सिक्स हो तो अंडर रूट a माइनस वन बटा अंडर रूट a का मान बताएं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ए ए माइनस वन इतना आएगा, फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। दोस्तों ए का मान दिया है फाइव प्लस टू रूट सिक्स, फाइव प्लस टू रूट सिक्स माइनस वन बटा में फाइव प्लस टू रूट सिक्स अब देखिए इसको तो पाँच में से एक घटा देंगे चार प्लस टू रूट सिक्स बटा में इसको लिखेंगे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये पूरा पट्टा में आ जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं दोस्तों क्योंकि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, इसके बदले में हम ए लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ये रूट को काट देगा, अब ऊपर हो गया फोर प्लस टू रूट सिक्स बटा में अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री। यहाँ देखिए अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू टू, चार के बदले ये लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू टू प्लस टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री, छः के बदले में तोड़ के अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री लिखे हैं और नीचे में आपको है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, टू रूट टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपको अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री बटा में आपको अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, ए ए आपको कट जाएगा, कट टू रूट टू, ए आंसर हो जाएगा।